यमराज की दिशा चंद्रकांत तेलतले का लिखा हुआ चैप्टर जो है, इसकी मैं प्रश्न उत्तर आपको बता देती हूँ। इसमें क्या वंश जो है उनका भावार्थ मैंने दूसरे वीडियो में बताया था आपको, आज मैं इसके प्रश्न उत्तर बता रही हूँ। तो पहला प्रश्न है, कवि को दक्षिण दिशा पहचानने में कभी मुश्किल क्यों नहीं हुई? कवि को दक्षिण दिशा पहचानने में कभी मुश्किल इसलिए नहीं हुई क्योंकि बचपन में ही कवि की माँ ने उसे बताया था कि दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। यह दिशा यमराज की दिशा होती है। यमराज मृत्यु के देवता हैं, अतः उन्हें क्रोधित करना ठीक नहीं है। कवि की माँ ने उन्हें यह भी बताया था कि वह जहाँ भी रहे दक्षिण की ओर यमराज का घर होता है। इस प्रकार माँ के बार बार समझाने और बचपन में मिले संस्कार के कारण कवि को दक्षिण दिशा को पहचानने में कभी भी कठिनाई नहीं हुई। कवि ने ऐसा क्यों कहा कि दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था? दक्षिण दिशा को लांग लेना संभव नहीं था, कवि ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि दक्षिण दिशा का कोई अंतिम छोर नहीं है। यह दिशा अनंत है। अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं हो। ऐसा कोई निश्चित बिंदु नहीं है जहाँ जाकर यह दिशा समाप्त हो जाती हो। दक्षिण में चलकर हम जहाँ भी रुकते हैं उसके आगे से फिर दक्षिण दिशा शुरू हो जाती है। यही कारण है कि उसे लांग पाना संभव नहीं था। इसका प्रतीकात्मक अर्थ यह है कि शोषण व्यवस्था का कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता। वह शोषण करने के नए नए तरीके अपनाती रहती है, इसलिए कोई भी इससे हमेशा के लिए मुक्त नहीं हो सकता। तीसरा प्रश्न है, कवि के अनुसार आज हर दिशा दक्षिण दिशा क्यों हो गई है? कवि के अनुसार आज हर दिशा दक्षिण दिशा इसलिए हो गई है क्योंकि चारों ओर अत्याचार, हिंसा, विध्वंस और शोषण का वातावरण हो गया है। दक्षिण दिशा दक्षिणपंथी विचारधारा अथवा पूंजीवादी विचारधारा की प्रतीक है। यह विचारधारा पूंजीपतियों और शोषकों को बढ़ावा देती है। आदमी इन तमन चक्रों में फंसा हुआ बिलबिला रहा है। हिंसा का जहर इस प्रकार फैलता जा रहा है कि मनुष्य एक दूसरे के खून का प्यासा हो गया है। सभी दिशाओं में यमराज के आलिशान महल हैं और वे सभी एक साथ अपनी दहकती आँखों सहित विराजते हैं। इसका भाव स्पष्ट कर रही हूँ। उक्त काव्य पंक्तियों का भाव है, आज चारों ओर बड़े बड़े आलिशान मकान दिखाई देते हैं, परंतु लोगों में मानवता का अभाव है। हर कोई एक दूसरे से लड़ने झगड़ने को तैयार है। हिंसा और अत्याचार चारों ओर व्याप्त हैं। आज सभ्यता के खतरनाक विकास के साथ लोगों में स्वार्थ और शोषण की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इसी कारण आलिशान महलों में यमराज का वास एक साथ दिखाई देता है। सभी एक दूसरे से नफरत करते हैं और मरने मारने को तैयार रहते हैं। अगला प्रश्न है, कवि की माँ ईश्वर से प्रेरणा पाकर उसे कुछ मार्ग निर्देश देती है। आपकी माँ भी समय समय पर आपको सीख देती होगी, वह आपको क्या सीख देती है? दूसरा प्रश्न है, क्या उनकी हर सीख आपको उचित जान पड़ती है? यदि हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों नहीं? मेरी माँ मुझे ज़रूरतमंदों की सहायता करना, परिश्रमी ईमानदार रहना, बड़ों का सम्मान करना, बेसहारा और निर्धनों का सहारा बनना आदि कई सीख देती हैं। मुझे मेरी माँ की हर सीख उचित लगती है क्योंकि मनुष्य होकर भी यदि मनुष्य की सहायता नहीं की जाए तो ऐसी मनुष्यता से क्या लाभ है? प्रश्न है, कभी कभी उचित अनुचित निर्णय के पीछे ईश्वर का भय दिखाना आवश्यक हो जाता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? मानवीय स्वभाव नैसर्गिक रूप से थोड़ा बहुत धर्म भीरू होता है, इसलिए कभी कभी धर्म या ईश्वर का भय दिखाकर उसे उचित निर्णय लेने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। ईश्वर का भय दिखाना इसलिए आवश्यक हो जाता है ताकि हम अनैतिक कार्य ना करें, हमारे ईश्वर में आस्था बनी रहे, हम असत्य और बुराई का साथ ना दें, हम अधिक जीवन जिएं और समाज के अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो सके।